शैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगयं सकल गुणनिधानं वानुरामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातु जातं नमामि। अच्छा पंडित जी, कुछ लोगों का सवाल होता है कि जैसे अन्य देव देवताओं का लोग गले में कोई लॉकेट धारण कर लेते हैं, हनुमान जी का भी लॉकेट धारण किया जा सकता है क्या? किया जा सकता है जी, लेकिन हनुमान जी का गले में लॉकेट धारण करो तो ध्यान दो आप। अब लॉकेट धारण करके दारू मत निकलना शुरू कर दो, कहीं बैठ के मांस भक्षण मत शुरू कर दो, इस पे ध्यान दो तब तो पहनो, नहीं तो मत पहनो। नहीं मतलब लॉकेट तभी पहने जब आप शुद्धता जी शुद्ध आचरण आपका हो सके। बिल्कुल, अब आप तुलसी की माला पहन के पूरे दिन झूठ बोलोगे, लहसुन प्याज खाओगे, अरे भाई वो मना तो करने आएंगे नहीं, मना नहीं ना करेंगे, लेकिन ये कि उसका हो सकता है कि दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ना शुरू हो जाए। पिता का स्त्री का किया हुआ कर्म उसका पुरुष भोगता है पति, और पति का उसके किया हुआ कर्म उसका औलाद भुगतता है। तो ऐसा कर्म करो कि जो हमारे आगे आने वाला जनरेशन है उसके लिए दुखदायी ना हो। आम का पेड़ लगाओगे तभी तो आम खाओगे, बबूल का पेड़ लगाकर तो आम खाओगे नहीं, तो कांटा चुभेगा, और ये जरूरी ना है कि वो दूसरे को चुभेगा, आपको ही चुभेगा पहले। तो काम ऐसा करो कि जो मैंने हनुमान जी का लॉकेट धारण करें तो शुद्धता का ख्याल रखें, और अगर ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर फलदायी नहीं होगा। मान लो आप हम जनेऊ पहना हूँ, बाथरूम जाना जाऊँ अब उसका हम पालन ना करूँ, लैट्रिन जाऊँ पालन ना करूँ, तो जनेऊ पहनने का क्या मतलब है? तो उसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा कि दूसरे के ऊपर पड़ेगा? हमारे ऊपर पड़ेगा। तो हम जो कार्य कर सके जिसमें सक्षम है सामर्थ्य है वही करें। यानी जागृत देवता है हनुमान जी, इसलिए सिर्फ शौक से ना पहने, नहीं शौक पूरा करने के लिए, बल्कि जो आचरण निर्धारित किया गया है, जो शुद्धता की अपेक्षा की जाती है भगवान हनुमान जी की पूजा के लिए, उसका आप निश्चित तौर पे ख्याल रखें।